मतलब चोर को चौकीदारी पे बिठा दिया जाए, समझ रहे हैं? चोर को आप चौकीदारी पे बिठा देंगे तो उसको पता है कि क्या कहते हैं कि चोरी कहाँ से हो सकती है, कहाँ से मतलब हम ग्रिल तोड़ के आ सकते हैं, दरवाजे कैसे टूटे, जेबें कैसे काटी जाए। माफ कर दिया नहीं, इससे अच्छी को आप क्या बता सकते हैं? आप अपने देश को ये बता रहे हैं, अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि होगा वही जो हम चाहेंगे, गलत हो या सही। मालेगांव में आपको पता है धर्मों से भी लोगों के वो जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के इमोशंस को इस तरह से पिंच कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो शायद किसी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपना तुष्टिकरण, अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? काम तो वो किसी के लिए नहीं कर रहे। कपूर जैसी महिला जो है वो PM का हाथ ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा रही है, ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। तो अगर आप राहुल गांधी से, अगर आप विपक्ष से कोई उम्मीद रखते हैं तो आपको अकेली उम्मीद आपकी राहुल गांधी है, क्योंकि वही एक आदमी है जिसकी जिसमें इतना गुदा है कि वो अपनी आंखों से आपकी आंख में आंख डाल के ये कह सकता है कि तुम चोर हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जिस तरीके से संसद में रक्षा समिति का जो गठन किया गया है उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल है। बहुत स्वागत है पहले तो आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके का, जबकि उनके ऊपर आरोप है मालेगांव बम ब्लास्ट के, किस तरीके से देखती हैं कि एक ऐसी नेता को जिनके ऊपर आरोप है उन्हें ऐसी रक्षा समिति का सदस्य बनाया? मुझे लगता है कि हमने एक नारा सुना था जिसका नाम था चौकीदार चोर है, तो चौकीदार चोर है को जस्टिफाई करने के लिए, या उसका शायद उन्होंने एक तोड़ निकाला कि चौकीदार को ही ना, चौकीदार मतलब चोर को चौकीदारी पे बिठा दिया जाए, समझ रहे हैं? चोर को आप चौकीदारी पे बिठा देंगे तो उसको पता है कि क्या कहते हैं कि चोरी कहाँ से हो सकती है, कहाँ से मतलब हम ग्रिल तोड़ के आ सकते हैं, दरवाजे कैसे टूटे, जेबें कैसे काटी जाए। तो वो एक जो परसेप्शन था ना, ये इसको लेके आगे चल रहे हैं, जबकि हम लोग एक चीज़ बिल्कुल जानते हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट जो था उसमें अभी न सिर्फ ट्रायल पे है, जमानत में बाहर है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस देश की जनता पे भी, इस देश की जनता से हैरान हूँ कि जब गोपाल कांडा और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग इलेक्शन लड़ने आते हैं, इलेक्शन कमीशन उस टाइम कुछ नहीं देखता, उनको टिकट भी दी जाती है, बाकायदा जीत के संसद तक पहुँचते हैं, और उसके बाद ऐसी ऐसी समितियों का, मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं उनसे दिल से माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तो शायद उनका दिल साफ हो गया और उन्होंने उन्हें माफ़ भी कर दिया। माफ़ कर दिया नहीं, इससे अच्छी को आप क्या बता सकते हैं? आप अपने देश को ये बता रहे हैं, अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि होगा वही जो हम चाहेंगे, गलत हो या सही। मालेगांव में आपको पता है धर्मों से भी लोगों के वो जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के इमोशंस को इस तरह से पिंच कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, एक बार नहीं दो बार नहीं, आप उसे लगातार कर रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अच्छा है बुरा है, होगा वही जो कहते ना, हो या सोई जो राम रची राखा, तो राम जी का तो सिर्फ नाम लेके मंदिर बनाने पर आ गए हैं, तो अब जो राम ने नहीं सोचा था वो ये मोदी जी करने में इच्छुक हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि वो एक वर्ग है, उसको खुश करना चाहते हैं, और इस तरीके की स्टेटमेंट क्योंकि पहले भी उनके नेताओं के आते रहते हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए ऐसा है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं हो सकता। अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार की अकेले बात नहीं कर रही हूँ, लोग जो रिलेशंस को समझते हैं, जो इमोशंस को समझते हैं, जो देश को समझते हैं, सद्भावना को समझते हैं, वो लोग इस चीज़ पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। जो आप कहते हैं ना किसी एक वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो शायद किसी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। ये अपना तुष्टिकरण, अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेस के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? काम तो वो किसी के लिए नहीं कर रहे। उन्होंने एक्चुअली क्या है कि मेरा एक ये घर है जो मुझे बना बनाया मिल गया, अब मुझे रेल भी मुझे चलानी नहीं आती, तू चला ले, शिक्षा मुझे चलानी नहीं आती, तुम चला लो। तो वो क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने मैनेजमेंट में पढ़ा था, और उसका जो सदुपयोग करते नज़र आते हैं वो नरेंद्र मोदी करते नज़र आते हैं, कि हर चीज़ उन्होंने दूसरे के सिर दे दी है, वह चला सकते हो तो चलाओ, मैंने तो अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता था वो कर दिया, क्योंकि दिमाग उनमें है नहीं। और मैं कई बार ये सोचती हूँ कि आप इतना विनाशकारी सोचते हैं, और कभी आपको ब्रेन हैमरेज जैसी चीज़ नहीं होती, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन इतना ख़राब सोच रहे कि दिमाग वाले के दिमाग में भी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब इतना नेगेटिव सोचने के बाद आप सत्यानाश करने पे तुले हैं, और दुनिया घर का, आपके घर का, आपके देश का सत्यानाश हो रहा है,
उसके बावजूद जो है आप चेत नहीं रहे। अच्छा, इस तरीके के सरकार के फैसले को और इस तरीके की लेडी को चुनना देश की सुरक्षा को लेकर और भविष्य को लेकर क्या लगता है? देखिए, जब वो उनसे लोगों ने कहा नालियाँ हमारे यहाँ की साफ़ नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं नाली साफ़ करने नहीं आई, तो तुम्हारी सड़कें बनाने में नहीं आई। तो जब उनको कोई वैसा काम करना ही नहीं है जो लोगों के लिए काम था। एक्चुअली इनको जो इलेक्शन लड़ाया गया दिग्विजय सिंह के खिलाफ, दिग्विजय सिंह एक मास लीडर हैं, मास लीडर हैं, इस बात को मैं आप नहीं सब मानते हैं। उस मास लीडर के अगेंस्ट एक ऐसे नेता को खड़ा करना, एक ऐसा व्यक्ति को खड़ा करना, उसको नेता उन्होंने बनाया, वो नेता नहीं थी, ठीक है, उसको नेता आपने बनाया और ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो हर तरह से करप्शन ही देशद्रोह जैसे मामले में और लोगों की हत्या जैसे मामले में शामिल रही हैं। तो मुझे लगता है कि जहां आप में इमोशंस ही नहीं हैं, आप देश की रक्षा, महिलाओं की रक्षा, अपने सरहदों की रक्षा, उसमें कहीं इमोशंस आएगा भी नहीं। और ये एक सिग्नल है कि ऐसे लोग जो हैं इनको हम जो है ऊपर बिठा के रखेंगे। आप में जो जितना आप में हिम्मत हो आप अपोज कर लीजिए। अच्छा, मैं एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल क्योंकि मतलब इस तरीके के फैसले हो जाते हैं और जनता का भी विरोध कहीं ना कहीं नज़र आता है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, उन्हें भी इस चीज़ का पता चला होगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो नहीं बोलते या किस तरीके से इसका विरोध करना चाहिए? देखिए, लगातार विरोध हो रहा है, जजेस बाहर आके बोल चुके, इंटेलेक्चुअल्स आके बोल चुके, सिनेमा के लोग आके बोल चुके। ऐसा नहीं है कि अगर एकता कपूर, मैं उस दिन को हैरान हूँ कि एकता कपूर जैसी महिला जो है, एकता कपूर जैसी महिला जो है वो पीएम का हाथ ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा रही है। ये प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है। प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देख के आपके हाथ बंध जाए। मैं, आप लीडर माने ना माने, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि सोनिया गांधी को आप जब भी कहीं देखते होंगे तो लोगों के हाथ बंधे नजर ही आते हैं उनके सामने। वो आप एज ए लीडर कमाते हैं, वो इज्जत आप कमाते हैं, आपने वो इज्जत नहीं कमाई है। वो तो ये हर चीज़ जो है तो ज़बरदस्ती की है, मान करो ज़बरदस्ती करो, सम्मान करो ज़बरदस्ती करो, मेरी बात मानो वो ज़बरदस्ती मानो। तो इतना ज़बरदस्ती ये लोग कर चुके हैं कि लोग जो बोलने वाले भी थे, आपको क्या लगता है कि आमिर खान और शाहरुख खान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों थी? क्या वो राजनीति से प्रेरित थी? वो राजनीति से ही प्रेरित थी कि वो इतना ट्रोल हो चुके थे कि वो ये सोच रहे थे कि अगर ये तस्वीर नहीं खिंचवाई तो हो सकता है ये जो इनके भक्त हैं, जो पेड़ इनके जो मीडिया पे इनके लोग बैठे हैं, वो इनके शायद कपड़े भी फट गए। उससे उनका क्या फायदा होगा? क्यों फायदा नहीं होने वाला था? इस देश में आप एक चीज़ बड़ा आराम से नोटिस कीजिएगा, मैं आज आपसे परेशान हूँ, ठीक है, और मैं अपने राशन वाले से परेशान हूँ। अब मैंने अगर ये सोशल मीडिया पर लिखा मेरा राशन वाला, आप देखिएगा तुरंत सारे भक्त निकल के आएंगे, क्या पहले नहीं होता था, क्या राशन वाला पहले परेशान नहीं करता था? आपने नाम किसी का नहीं लिया, पर क्योंकि उनको पता है कि जो गलत हो रहा है वो हो ही उनकी वजह से रहा है। तो आप कहीं भी किसी भी संदर्भ में एक आपने कमेंट किया नहीं कि लोग आपके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि बिल्कुल जैसे आप सरकार को कोस रहे हैं, जबकि हर बात की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लेकिन इस बात को आप मानिएगा कि इस सरकार ने किया क्या है कि यहाँ पर नालियाँ साफ़ करने के लिए जो पार्षद आया वो भी मोदी के नाम पे आया, जो MLA आया वो भी मोदी के नाम पे आया, मंदिर का प्रधान भी मोदी के नाम पे जीतता है। तो मोदी जी को नेता मानती है ना फिर आप? मैं उसको नेता नहीं मानती हूँ, मैं तो अभिनेता नेता मैं तो किसी भी कैटेगरी में ना रखो, पर वो होता है ना कि आपने चुनाव जीता है, उनके नाम पे चुनाव जीतने का जो रीज़न है उसका वो दैट रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि लोगों को ये दिखता है कि 100 मर्ज की एक दवा, आप समझ रहे हैं, मतलब दवा है दवा। देखिए, मर्ज तो पूरे देश में फैल चुका है, मर्ज तो पूरे देश में फैल चुका है, कि दवा है। लोग कह रहे हैं कि हम दवा हैं, लेकिन सब जो उसका रिजल्ट है वो तो किसी को नहीं मिल रहा। कहीं भी आपने कोई फैसले होते देखे हो, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर दोबारा कैसे दवा खा ली? मैं बोलूंगी तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि EVM जो सड़क पर आप देख रहे थे वो EVM में ही वोट था, ठीक है, और EVM और जो सामने बैठा व्यक्ति है जो मेरे सामने काउंट कर रहा है, किसी भी सरकार को, किसी भी आपने पुलिस को, किसी भी न्यायालय को ये कहते सुना कि भाई जो EVM बाहर भटक रही है उसको घर तक वापस ले आओ, किसने गिनी? वो जिनके घरों में रखी थी, वो कानपुर शिकोहाबाद तक जिनके घरों में रखी थी उन्हीं के घर में रखी आज तक। कांग्रेस सामने क्यों नहीं आती फिर, बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी क्यों नहीं आती? देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि राहुल गांधी जैसा लीडर ही आपको विपक्ष अच्छा दे सकता है, पर जब राहुल जी भी साथ में छाते हैं और राहुल जी उस पर लोगों को खड़ा करना चाहते हैं तो अचानक ही सब
तैयार, आपके लिए ज़मीन तैयार करता है राहुल गांधी, फिर अचानक केजरीवाल जैसे आदमी को भी लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, फिर ममता बनर्जी भी निकलेंगी, फिर वो जनता दल वाले भी निकलेंगे, तब नीतीश कुमार की भी अरमान जागते हैं। तो जब सारे प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी लीड करना चाहेंगे तो फिर लीडर की आप बिसात बिछाएगा, एक आदमी खींचेगा चार लोग, तो कैसे चलेगा? तो अगर आप राहुल गांधी से, अगर आप विपक्ष से कोई उम्मीद रखते हैं तो आपको अकेली उम्मीद आपकी राहुल गांधी है, क्योंकि वही एक आदमी है जिसकी, जिसमें इतना गूदा है कि वो अपनी आँखों से आपकी आँख में आँख डाल के ये कह सकता है कि तुम चोर हो।